नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमरजोत हंस आपका हंस म्यूजिक हब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक नेशनल का प्लेयर लेकर आया हूँ जो कि हमारे पास फॉर सेल के लिए आया था। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे 22 चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप देख सकते हो कि ये नेशनल का प्लेयर है, तो आपको इसके बारे में प्रॉपर बताते हैं कि ये कैसा है और कैसे चलता था। और यहाँ पर लेवल बा ट्यूनिंग सेलेक्टर ट्यूनिंग फाइन, और ये वाला जो बटन है ये टेप एंड रेडियो का है। अगर आपको टेप चलानी है तो फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा, अगर आपको रेडियो सुनना है तो आपको नीचे करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको जो भी नंबर है यहाँ पर इसको घुमाकर आप चैनल को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कहाँ पर कौन सा सुनना है। तो बाद में आपको इसको प्ले करके भी दिखाएंगे। तो ये काफ़ी हैवी है, कोई ज़्यादा हल्का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी जो बटन है वो ऊपर की तरफ दिए गए हैं, और अगर हमें कैसेट को डालना है तो यहाँ पर इजेक्ट से बटन प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। एंटीना, ये पीछे एंटीना दिया गया है, और इस साइड से बात करें तो इस साइड से ये आप देख सकते हो कि बैंड, ठीक है, तो ये बैंड आ गए हैं। और ये वाला वॉल्यूम का बटन है, और इधर की तरफ बात करें टोन, टोन का मतलब आपको वॉइस हैवी करना है, मतलब कि भी आपको वॉइस पतला करना है या थोड़ा उसको हैवी करना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये उसका था। और अगर पीछे की तरफ से बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो RQ235S सीरियल नंबर 1397, और यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन जापान। तो ये मेड इन जापान का है, वर्किंग कंडीशन में है सबसे बड़ी बात, और ये जापान से RTA इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, तो ये दिल्ली से पीस निकला था, बना मेड इन जापान का है। और यहाँ पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर इसके सेल डलते हैं। अगर कोई भी मेरा भाई इसको अगर लाइट नहीं होती थी तो अगर इसको सेल के ऊपर चलाना चाहते हैं तो इसमें सेल डालोगे तो ये चलेगा। इसका ढक्कन है तो मैंने इसका वैसे पहले से ही उतार दिया था, क्योंकि बाद में थोड़ा सा ये तो आप ये देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में। और यहाँ पर इसके मीटर दिया गया है, अगर जब कैसेट चलती है तो तब ये ट्यूनिंग अगर हम इसको सिलेक्शन करते हैं तो ये तब बर्तों में आता है। तो इधर की तरफ बात करें, इधर भी इसके काफ़ी फंक्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर जैसे लगा लो कि ऑक्स की लगती है, साउंड मॉनिटर ऑफ 1 2, ठीक है, तो यहाँ पर इजी मैटिक ऑन ऑफ, तो ये बटन काफ़ी दिए गए हैं इधर की तरफ। और अगर इसको रिमोट पे कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पर रिमोट की ऑप्शन भी है, जो इसमें वायर लगती होगी। तो अभी तो ये फ़िलहाल मुझे इतना ही मिला है, तो इसके साथ और कुछ भी नहीं मिला। वर्किंग कंडीशन में सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी सेटिंग तो होने वाली होगी इसकी, पर मुझे नहीं लगता कि वैसे होगी, पर फिर भी मैं किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि बाद में आपको भी दिक्कत आए और मुझे भी दिक्कत आए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया पहले ये बता दो कि इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी साल पुराना है, तो इसका गारंटी लेके अभी मैं करूँगा भी क्या, है ना, आप समझदार हो। तो ये आप देख सकते हो, तो आपको दिखाते हैं पीछे से चलाकर कि ये कैसे चलता था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसकी वॉइस को थोड़ा सा हाई करते हैं तो आवाज़ आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसकी सिलेक्शन करेंगे ना बैंड की तो ये चलेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी पहले तो घर होते थे कच्चे, तो जो रेंज थी वो बहुत जल्दी पकड़ता था, तो आज के टाइम में सबके घर भी पक्के हो गए हैं और 3-3 मंजिले हो गए हैं, तो उस हिसाब से अभी रेंज पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया इसके लिए। तो फिर भी कोशिश करते हैं, आपको चलाकर तो दिखाएंगे ही।
वॉइस तो आना शुरू हो गया अभी वो। थोड़ा नीचे और ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर कुछ बना तो, नहीं फिर आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये चलेगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इसका बैंड चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ चले। वॉइस तो आती है पर क्लियरली नहीं आता है कुछ भी, ये आप देख सकते हो। वॉइस तो आ रही है पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये तो तमिल भाषा लग रही है मुझे। तो ये है हमारा आज का नेशनल का प्लेयर। तो इसकी बात करें ऊपर से कैसेट प्लेयर की, तो जब इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से घूमने लग जाता है। अभी मैं कैसेट इसमें अभी प्ले इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा सेटिंग करवाने वाला है, क्योंकि अंदर के जो कैसेट है ना वो थोड़ी सी बीच में फंस जाती है, तो इसीलिए मैं इसको अभी चलाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कैसेट ख़राब हो जाएगा। तो इसका कोई भी गारंटी नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग तो देखो होने वाला है क्योंकि मेड इन जापान का काफ़ी पुराना बना हुआ है। बाकी आपने देख लिया कि वर्किंग कंडीशन में सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि वर्किंग कंडीशन में हो चीज़ तो उसको ठीक करवाना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों ये आज का प्लेयर था और ये इसका प्राइस रहने वाला है ओनली 3000, ठीक है। तो ये अगर कोई भी मेरा भाई इसको ऑर्डर करना चाहता है तो वो हमें 7814255586 पे कॉल कर सकते हो और हम पैन इंडिया में शिपिंग करते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।